अस्सलाम वालेकुम। आज बना रही हूँ शलजम गोश्त। 1 किलो चिकन है और 1.5 किलो शलजम है, जिसमें थोड़ी सी पालक और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने बना लिया ऐसे ही, और 2 बड़े प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पीसा हुआ और कश्मीरी मिर्च और अजवैन और कलौंजी मिर्च हैं। तो सबसे पहले मैं गोश्त फ्राई कर लूँगी। पहले मैं इसको फ्राई करती हूँ। ये गोश्त फ्राई हो चुका है, अब इसको मैं प्लेट में निकालती हूँ। अब इसी ऑयल में प्याज जाएगा, इसको मैं अच्छी तरह पहले भूनती हूँ। चलो जी, प्याज मैंने फिर भून लिया, अब जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको 1 मिनट के लिए भून के फिर इसमें ये मसाले जाएंगे। अब ये मसाले इसमें ऐड करने लगी मैं, और थोड़ा सा पानी भी डाल दूँ साथ ही। इसको मैं अच्छी तरह जरा भूनती हूँ 5 से 7 मिनट तक। ये देखिए अच्छी तरह मैंने भून लिया। अब इसमें मैं शलजम, पालक और धनिया, चलेंगे डाल दिया अब इसमें, और चिकन मैं अभी इसमें डालूंगी। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूंगी, हल्का सा पानी लगा के, कि जब शलजम गल जाएंगे ना तो मैं सब इसमें चिकन ऐड करूंगी। मैं ये 2 मिनट तक इसको मैंने भूना है, क्योंकि ये पालक खुद भी पानी छोड़ देगी और शलजम भी छोड़ेंगे, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बस आधा गिलास, बस इतना सा। और 5 मिनट के लिए इसको बंद करेंगे, लगा के लिए हल्के से गल जाए। चलो ये 7 मिनट के बाद खोला प्रेशर, और गल चुके हैं। ये देखें गल चुके सब्जी, थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से मैं इनको मसल रही हूँ। और इसमें साथ ही मैं अब चिकन भी ऐड कर दूँगी, ये जो मैंने फ्राई किया था। ये देखें और इसको 10 मिनट के लिए आप ऐसी हल्की हल्की आँच पे दम लगा दें जरा, फिर इसको भून के। चलें जी, 10 मिनट के बाद ये देखें पानी काफ़ी हद तक इसका खुशक हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच चीनी, देखें और अब इसका कड़वा पर मत है वो ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दें। इधर मैंने चावल रखे हैं बॉयल, क्योंकि इसके साथ बॉयल के चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको मैं 15 मिनट तक ऐसे ही इसकी भुनाई लगाऊंगी, जब तक इसके पानी की नमी नहीं ख़त्म हो जाती।
जब चावल बॉयल हो रहे हैं, इसके साथ बॉयल चावल बहुत अच्छे लगते हैं, शलजम गोश्त और बॉयल चावल। ये देखिए 15 मिनट से मैं इसको भून रही हूँ, तो पानी की नमी इसके अंदर से काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, ऑयल छोड़ दिया इसने। अभी इसको 5 से 7 मिनट तक मैं और भूनूँगी और बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह। देखिए शलजम गोश्त हमारे तैयार होते हैं, अब इनको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी, हमारे शलजम गोश्त का सब तैयार हो गया। ये बॉयल चावल है साथ। अगर आपको आज की मेरी ये शलजम गोश्त की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।